बेटा आए तुम? हाँ मम्मी। पता है आज क्या है? हाँ मम्मी, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ। आप मेरे लिए क्या लाई हो? बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हारे लिए देने को। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करो, आंखें बंद करो, ठीक है? और ये देखो बेटा, ये क्या है तुम्हारे लिए? अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ। मैं ना एक काम करके इसे अभी पहन कर आती हूँ। हाँ बेटा पहन लो। हाँ क्या है बेटा, कुछ भी नहीं हमारे पास, यही आई हूँ। अरे मम्मी देखो मैंने पहन लिया, कैसा लग रहा है? अरे वाह मेरी बेटी, कितनी सुंदर लग रही है। बहुत अच्छा लगा बेटा तुम। अच्छा लगा ना? हाँ बेटा बहुत सुंदर। अच्छा बेटा मैं काम पर चलती हूँ मैं, ठीक है? तुम तो यहीं पर पढ़ना लिखना और अपने काम कर लेना और पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है बेटा? मैं काम पर चलती हूँ। आज तो मेरे स्कूल की छुट्टी है ना, तो मैं भी चलूँ आपके साथ? अच्छा तुम्हारा मन है कि चलने का? हाँ। तो चलो मैं ले चलती हूँ। चल चल चलो। नमस्ते बेटा। नमस्ते। अरे आज ये किसको साथ में लेकर आई? ये मेरी बेटी है बेटा, आज का जन्मदिन है ना इसलिए। अरे इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आज का जन्मदिन है ना बेटी इसलिए। अरे मेरा भी तो जन्मदिन है, मैंने तो देखो इससे कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, ये और नए कपड़े हैं। आज मेरी माँ लेकर आई है ये कपड़े। ये तो मुझे नए कपड़े नहीं लगते। नहीं बेटी ये नए कपड़े ही है। ये और नए कपड़े? हाँ। क्यों ये अच्छे नहीं है? नहीं बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मेरी ड्रेस देखो कितनी अच्छी लग रही है। अरे आज मेरा जन्मदिन है ना, तो मेरी माँ ने हलवा बनाया है। लीजिए। अरे तुम्हारी माँ ने ये कैसे टिफिन में हलवा रखा है? मेरी माँ तो मेरे लिए ना केक लाई है। तुम्हारी माँ लाई है? अरे बेटा तो ले लो थोड़ा सा, तो खा लो, गरीब का बर्थडे है तो थोड़ा तो आप खा सकते हो ना। लो खा लो ना, मेरी माँ ने बड़े प्यार से बनाया। अरे ये केक ना तू ही खा, मुझे नहीं खाना, मेरी माँ ने तो मेरे लिए स्पेशल ऑर्डर किया है। पता नहीं कहाँ कहाँ से घूरे पैसे उठा कर लाए होगे तुम इस केक को। अरे बेटा ऐसी बात नहीं करते, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया बेटा, इसी का ऐसा मजाक नहीं कर सकते किसी के साथ बेटा। आंटी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ। अरे बेटा ऐसे कैसे सच हो सकता, जब मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया है और बेटी को तुम्हारे लिए भेजा है मैंने बड़े प्यार से, तो आंटी मुझे नहीं खाना, मेरी माँ ने तो मुझे केक ऑर्डर किया है। तुम ना मेरे से बहस मत करो, तुम यहाँ काम करने आते हो या बहस करने? हर्षिता ये क्या था, तुमने कैसे बदतमीजी से बात की सभी तौर अंजलि से? हाँ ऐसे कोई बात करता है क्या? गरीब है तो क्या हो, उनको मजाक उड़ाओगी तुम? हाँ ऐसे बात मत कर, मत लेना उनसे आज के बाद, उसका भी बर्थडे है अंजलि का, तुम्हारा है, अच्छे से बात करना उससे, सुनना लूँ मैं, देखना लूँ मैं। आप गलती की है ना तुमने, चलो सॉरी बोलो उनसे, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगी, सॉरी बोलो उनको। पर मम्मी। पर और कुछ नहीं, सॉरी बोलो, चुपचाप जाओ। सॉरी। चलो बेटा अपन तो अपने काम करते हैं, वो तो बड़े लोग हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलो बेटा। ये जब देखो जब सविता आंटी के साथ टपक आती है और इसकी वजह से मेरी तो मम्मा के सामने इंसल्ट ही हो गई। ये जब देखो जब सविता आंटी के साथ टपक आती है अंजलि कहीं की, इसे तो मैं मजा चका कर ही रहूंगी। इसने मेरे से सॉरी बुलवाया, मेरे से और मम्मी के सामने भी, इसे तो मैं मजा चका कर ही रहूंगी। नहीं छोड़ूंगी बेटा अंजलि तुझे। हर्षिता बेटा, हर्षिता बेटा देखो आज मैं तुम्हारी ना फेवरेट कलर ब्लू कलर की प्रिटी सी ड्रेस लेकर आई हूँ, देखो जरा। वाओ मम्मा इज वेरी नाइस ड्रेस। हाँ बेटा आज शाम की पार्टी पे ना तुम यही ड्रेस पहना, बहुत सुंदर लगोगी। ओ थैंक यू मॉम। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, बहुत सारे काम करने हैं मुझे। हाँ ठीक है। मम्मा ने मेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस दी है, उस अंजलि की बच्ची को तो अभी आती हूँ उसकी औकात बताकर। देख तेरी मम्मी ने तुझे 200 रुपए वाली ड्रेस दिलाई है, देख मेरी मम्मी ने मुझे कितनी अच्छी दिलाई है, देख तेरी औकात है इतनी महंगी और इतनी अच्छी ड्रेस लेने की। मैं तो जा रही हूँ तैयार। Thank you.
ड्रेस तो बहुत अच्छी दिलाई है, पर अफसोस कि मैं इसे पहन नहीं पाऊंगी क्योंकि इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाऊंगी। उस अंजलि की बच्ची को सबक जो सिखाना है मुझे, कितनी अच्छी ड्रेस है। चलो उसके बैग में रख देती हूँ ताकि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए। उसने ना मुझसे सॉरी बुलवाया तो उसे तो नहीं छोड़ूंगी। सॉरी आंटी, मैं आपको और आपकी प्याज को देख नहीं पाई। हे भगवान, मेरी मम्मी कितना काम करती है, अभी तक उनका काम भी खत्म नहीं हुआ, इतनी देर हो गई उन्हें। सॉरी, मुझे लगा यहाँ पर डस्टबिन है, तू बैठी है। वैसे तू भी ना किसी डस्टबिन से कम नहीं है। आंटी, मैं पानी को देख नहीं पाई, दोबारा भर लेना। अरे मम्मी, आप इतनी देर से काम करने लगी हो, अब तक आपके काम खत्म नहीं हुए, मैं करवा लूँ आपको। अरे बेटा, थोड़े से और बसे हैं, तुम जाओ, मैं अभी धुलकर आती हूँ मैं, ठीक है ना? थोड़े से और बसे हैं कपड़े, हाँ तुम जाओ बेटा, चले जाओ। हाँ ये लो, ये कपड़े भी धुल देना। अरे बेटा, थोड़े से कपड़े और मैं धुल लेती हूँ, मेरे बेटा तुम जाओ यहाँ से, हैं अभी धुलती हूँ, टेंशन मत लो बेटा। हाँ ठीक है, मैं अभी धुलती हूँ, तुम जाओ। मम्मी मम्मी, आपने ना जो मेरे बर्थडे पे मुझे ड्रेस गिफ्ट की थी ना, वो नहीं मिल रही है। अरे बेटा, ड्रेस कहाँ जा सकती है, अच्छे से देखो एक बार। अरे मम्मी, वो अंजलि है ना, वो ही मेरे कमरे में वो ना सो वैसे ही खेल रही है, उसी ने उठाई होगी जरूर। अरे वो क्यों उठाएगी, बोला तुम्हारी ड्रेस बेचारी, वो तो वैसे भी बहुत गरीब है। हाँ, वो ऐसा नहीं करेगी यार। गरीब है इसीलिए तो मम्मी, इसीलिए तो उसने चोरी करी होगी। देख लो पहले एक बार आप। मुझे तो नहीं लगता, पर ठीक है एक बार देख लेते हैं। हाँ देख, चलो। मेरी कितनी सुंदर और कितनी महंगी ड्रेस है, 2000 वाली। सविता आंटी, सविता आंटी, जल्दी इधर आओ, आपकी लड़की को लेकर, वो अंजलि को। सविता आंटी जल्दी इधर आओ, सविता आंटी, सविता आंटी जल्दी इधर आओ, अंजलि को लेकर। अरे क्या
अरे बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, क्या हो गया बेटा? ये देखो मेरी कितनी महंगी ड्रेस है, आपकी लड़की ने चुराई है, देखो। नहीं बेटा। अरे मम्मी मैंने नहीं चुराई है। नहीं बेटा हम गरीब हैं मगर चोरी नहीं कर सकते बेटा, किसी की भी चोरी नहीं कर सकते बेटा। तुम्हारे बैग में कहाँ से आई? पता नहीं बेटा, हमको तो पता नहीं है बिल्कुल भी बेटा, हम चोर नहीं है बेटा। तुमने नहीं की और फिर ये तुम्हारे बैग में ये मेरी ड्रेस किसने रख दी हां? चोर कहीं की? एक मिनट हर्षिता, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि चोरी अंजलि ने की है? माँ कोई सबूत उसके बैग में ही तो रखी है ये ड्रेस, उसी ने चोरी की है। एक काम करते हैं, हम ना पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आएगी साथ में कुत्ते भी लेकर आएगी और कुत्ता ना सूंघकर बता देगा कि असली चोर कौन है, फिर ठीक रहेगा। हम ऐसे बिना सबूत के किसी पे इल्जाम तो लगा नहीं सकते। चलो पुलिस को कॉल करते हैं, वो कुत्ते साथ में लेकर आएगी, सारा पता चल जाएगा असली चोर है कौन। ठीक है ना, कर देना पुलिस को कॉल। ठीक है, अगर पुलिस वाले आकर मुझे पकड़ ले जाएंगे तो मुझे वहाँ पर अच्छा अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा और मुझ में डंडे पड़ेंगे। मैं अच्छा होगा, मैं मम्मी को सच बता दूंगी सारा। अरे मम्मी वो चोरी मैंने की है, अंजलि ने नहीं की। हर्षिता मुझे ना शक तो पहले से तुम पर ही था, मैं विश्वास कर ही नहीं सकती थी। क्या है ना, मुझे अंजलि बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसके बैग में भी हर्षिता ये तो तुमने बहुत गलत किया ना, मैं इन पर काफी विश्वास करती हूँ, ये 10 साल से काम करते आ रहे हैं, तो मैं सोच नहीं सकती कि ये कभी चोरी कर भी लेंगी अपने घर में। हाँ ये अपने घर के जैसे हैं और गरीब हैं, तो इसमें इनका क्या कसूर? हाँ क्यों हर्षिता, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना तुम्हें। आज से गलती हो गई, आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी नहीं मनेगी और जो ड्रेस है ना अब वो तुम्हारी नहीं, अब ये अंजलि की ड्रेस रहेगी, यही तुम्हारी सजा है आज की। तुमने ऐसा क्यों किया? माँ मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। पक्का ऐसी गलती कभी नहीं करोगी ना? पक्का। चलो ठीक है, तो अंजलि से सॉरी बोलो, माफी मांगो उन दोनों से। सॉरी अंजलि, आगे से मैं तुम पर कभी भी चोरी का इल्जाम नहीं लगाऊंगी। ठीक है, और अच्छे से रहना हिल मिल के फ्रेंड की तरह। हाँ और सविता आंटी से भी सॉरी बोलो, उनके साथ साथ भी तुमने बहुत गलत गलत किया था ना। सॉरी सविता आंटी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, गलती इंसानों से भी होती है बेटा, मैंने तुमको माफ कर दिया, पर ऐसा किसी के साथ नहीं करना बेटा, अच्छा नहीं होता, क्योंकि बुरे का परिणाम बुरा ही मिलता है बेटा। ठीक है ना, आज गरीब के साथ किया, कभी किसी के साथ मत करना बेटा, सब हिल मिल कर रहना बेटा, तुम भी है ना अर्षता के साथ हिल के रह मिल मिल कर रहना, ठीक है, अच्छे से रहना। माफ़ और मुझे माफ कर दो अगर हमने कोई लेने आने। अरे नहीं सविता तुम ऐसा मत बोलो, तुम लोग क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम तो मेरे परिवार की तरह हो। मार्केन आपको बहुत बड़ी मान है, बहुत बड़ी दयालु हो। चलो ठीक है, ये हुई ना बात, चलो अब दोनों गले मिलो।